बड़े ज्यादा लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बात बोली कि इंग्लिश का सिलेबस बता दो क्लास 8 के लिए। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोस के अंडर जो क्लास 8 है उसका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो बता दो, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पेपर पैटर्न डिस्कस किया था कि पेपर किस तरह से आएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो वीडियो आप जरूर चेक कीजिए। बड़ा अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि हमने कौन सा प्रोज करनी है, कौन से पॉइंट्स करनी है, कौन सी स्टोरीज करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ग्रामर तो हमने पेपर पैटर्न में डिस्कस कर ली थी, ग्रामर के जो टॉपिक थे जो लेटर है, रिपोर्ट है, ईमेल है या जो ग्रामर टॉपिक्स हैं उनको हमने पेपर पैटर्न में डिस्कस कर लिया था, वो सेम है। लेकिन अब इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश की जो ए बुक है उसका सिलेबस क्या है? अबे जल्दी बोल। मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर की तो वो होगा आपका 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। कितने? 50 मार्क्स। समझ में आ रही है बात? 50 मार्क्स का आपका वो पेपर होने वाला है, यानी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 250 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स में से? 250 मार्क्स में से आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश ए का, वो किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश का सिलेबस इस बार सुमेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंगली तैयार किया है। किसके अकॉर्डिंगली? सुमेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंगली। अब लगता है सुमेटिव असेसमेंट क्या होती है? सुमेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंगली ये होता है कि आपको हर एक चैप्टर, हर एक प्रोज, हर एक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे पिछले साल तक होता था कि हम गिने चुने लास्ट वाले लेसन पढ़ के जाते थे, उसी में से पेपर आता था। लेकिन अब जीके बोर्ड ने सुमेटिव असेसमेंट का सिस्टम निकाला है जिसके तहत आपकी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रोज हैं और जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो आपको करनी पड़ेगी। अब ये ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना कि सिर्फ लास्ट वाली करके जाओ, क्योंकि पेपर आएगा। अब जेके बोर्ड की सबसे बुरी बात ये लगती है कि इन्होंने जो सिलेबस रिलीज किया ये किया 1-1.5 महीने पहले, यानी डेट शीट जब आई की आई उससे कुछ दिनों पहले इन्होंने सिलेबस रिलीज किया, और आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से या ऑलमोस्ट मई से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल में नहीं तो कम से कम अगस्त तक सिलेबस और पेपर पैटर्न उनको शेयर करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से प्रेपरेशन कर सके। अब बिल्कुल मतलब पेपर आने वाले होते हैं और 1-1.5 महीने पहले वो पेपर पैटर्न और सिलेबस रिलीज कर देते हैं, तो ये बात गलत है। तो अब करना क्या है? तो देखो मार्केट में ना वो मिलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको कुछ लोग सॉल्व पेपर भी बोलते हैं, वो खरीद लो, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाएंगे कि जो बार बार रिपीट हुए हैं, उसमें से 2023 वाला प्रिपेयर कर लेना, 2022 वाला प्रिपेयर कर लेना और 2021 वाला प्रिपेयर कर लेना, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसी से आपको इंपॉर्टेंट लेटर्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही है कि आपको हर एक प्रोज, हर एक पॉइंट्स और हर एक शॉर्ट स्टोरी करनी पड़ेगी फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे हर दिन शाम को 4 बजे एक नॉलेजेबल वीडियो आती है, और अब जब तक हमारे पेपर स्टार्ट नहीं होते तब तक हम डेली कुछ ना कुछ लर्निंग के ऊपर, कुछ ना कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।